लेकिन इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद अगर हम लोग ये बोलें कि हम लोग कहीं पे दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी यहाँ पर ऐसी विधानसभाएं हैं कि जहाँ पर आप पूरे राजधानी के अंदर एक दिन में जाके और एक दिन में अपने घर आ सकते हो, देश में ऐसी ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ तीन तीन दिन में आप पूरी विधानसभाओं में घूम नहीं सकते, ऐसे ऐसे गांव हैं, 300 गांव की विधानसभा, 350 गांव की विधानसभा, एक एक गांव 40-40 किलोमीटर दूर है। तो साथियों यहां पर काम करना तो आसान है। एक टाइम मैं मतलब मेन मुद्दे पे आ गया हूं, और क्यों आ गया हूं, क्योंकि जरूरत है हम लोग एक हों, जरूरत है एक मंच हो, जरूरत है एक झंडा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुकता के लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। हम लोगों ने मैंने बड़े नजदीक से देखा कि दिल्ली देश की राजधानी में हमारी पार्टी एक टाइम पे तीसरे नंबर की पार्टी होती थी और कभी कभी दूसरे नंबर की पार्टी होती थी, जिस पार्टी को हम लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन आप लोग कुछ भी कर लीजिए, वोट आप चाहे कहीं भी डालो, गिनती आपकी वही होगी कि भाई ये तो उनका आदमी था। इसके बावजूद मुझे पता है टाइम का भी मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं और भी बहुत बड़े, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा इन लोगों का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी सुनना ही चाहूंगा। लेकिन 2-3 चीजों पर जरूर मैं बिंदु करूंगा कि हमें और डॉक्टर साहब को ये जरूरत क्यों पड़ी कि आप लोगों का गोल्डन टाइम निकाला है कि आप किसी तरीके से इस जगह पे आए और यहाँ बैठ के कुछ प्लानिंग करते हैं। आप लोगों का बहुत कीमती टाइम है, उसके बावजूद भी आप लोगों को डॉक्टर साहब ने कन्वे कर लिया कि आप लोग यहाँ आके बैठो। मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनको मुझे पता है कि वो लोग कैसे लोग हैं। मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ कि एक टाइम जब इतनी बड़ी पार्टी 4 बार हमारा सीएम, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उसके बाद हमारी पार्टी दिल्ली में आज भी हमारा एक भी आदमी एक एसएचओ से कोई काम नहीं करा सकता। पार्टी होते हुए भी एक डीएम के पास जाके किसी काम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद आज वो पार्टी तीसरे नंबर की जगह 6-7 नंबर पर पहुंच गई। कारण क्या है? उन कारणों के पीछे अगर आप जाएंगे तो सारे साथी बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई अपने घर को छोड़ के अलग होना नहीं चाहता। बड़ा पेन होता है जब कोई अंग टूट के और दूसरी तरफ जाता है, और इस पेन को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में हम लोगों को वो हमें नहीं चाहिए इज्जत, लेकिन कम से कम जो स्टेट चला रही है कमेटी, वो कमेटी ये प्लानिंग तो करे कि हमें शासन चाहिए। हमें शासन का मेरे को आज तक पूरी एक उत्तर प्रदेश को छोड़ने के बाद, मैं फिर माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, लेकिन एक जरूर हम लोग ना चर्चा तो कर सकते हैं ना अपनी इस बात से। उत्तर प्रदेश के बाद कोई सा ऐसा प्रदेश, मैं पूरे देश में घूमा हूँ, विदेशों में भी घूमा हूँ, मुझे एक भी प्रदेश ऐसा नहीं मिला जहाँ पर हमारी पार्टी ने ऐसी प्लानिंग दी हो कि हमें हमारा सीएम चाहिए। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम है वहां पर कि आपने जन्मदिन मनाना है, आपने टिकटों में बांटनी है और आपने इलेक्शन लड़ाना है। जिला अध्यक्ष का भी यही काम है, प्रदेश प्रभारी का भी यही काम है और प्रदेश अध्यक्ष का भी यही काम है। इसके आगे वो एक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। जब आप अपनी बात रख नहीं सकते, आप वोट करते आ रहे हैं, आप लोग तो लीडर हैं, मुझे पता है आपके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ के नाते जब आप अपना काउंसलर नहीं बना सकते, और काउंसलर बनाने के बावजूद एक काउंसलर नहीं, एक दो काउंसलर तो आप निर्दलीय खड़े हो जाओ तो भी जीतते हो, कोई ये प्लानिंग नहीं है कि आपका
दिल्ली एनसीडी पर आपका कब्जा होगा और आप अपने लोगों को वहां सेट कर पाओगे। एक एक आदमी को, मेरे कितने दोस्त एमएलए हैं, कितने दोस्त आज की डेट में, कितने दोस्त मेरे काउंसलर हैं, एक एक आदमी ने अपने समाज के 20-20 लोगों को लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस पे क्या बोलते हैं, बेलदार और इन छोटे छोटे जोरों पे, अगर आप स्टोर पे लगाया हुआ है, अगर आपका काउंसलर बनेगा, आपका एमएलए बनेगा, तो आपके लोगों को फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो आप सिर्फ वोट करने के लिए आए हुए हैं। आप हर बार वोट कराइए, 4% हो गया, 3% हो गया, 7% हो गया, शासन की बात कौन करेगा? दिल्ली में शासन नहीं ले सकते हम लोग, दिल्ली में हमें शासन चाहिए। और दिल्ली में शासन चाहिए तो जो मैंने ये बात बोली, वकील साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथी लोग, सभी लोग अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी जगह पर पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूँ कि जरूरत है हम एक हों, ये बहुत जरूरत है, जरूरत है एक मंच हो। ये जरूरी नहीं कि अपनी पार्टियों को आप बंद करके आप एलडीएफ के साथ जुड़िए, लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो इनको जोड़ लीजिए, हम जैसों को जोड़ लीजिए, आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन चाहिए क्या? Yes. अगले आगामी चुनावों में आपका दिल्ली का सीएम डिक्लेयर होना चाहिए। आपके लोग वोट करते हैं और आपका ही सीएम, मैं तो पर्सनली सीएम को भी जानता हूं, लेकिन मैं फिर बोलना चाह रहा हूं कि वो लोग आपके वोट से बने हैं। उन्होंने हर जगह अपने, गुजरात वालों ने गुजरात पूरा पीएम हाउस गुजरात का बना दिया, वो वहां से लोगों को लेके आए। लेकिन आप लोग जो देश में 22% से 25% की आबादी रखते हैं, हर प्रदेश में, एक प्रदेश नहीं, आपको हैरत होगी कि ये समाज हर प्रदेश में अपनी एक भूमिका निभाता है, हर प्रदेश में। आप जाट चले जाइए तो 4 प्रदेशों में मिलेगा, पंजाबी चले जाइए कुछ ही प्रदेशों में मिलेगा, राजस्थानी चले जाइए कुछ प्रदेशों में मिलेगा, राजस्थानी मतलब जाति वाइज भी अगर जाएंगे, लेकिन आपके समाज का आदमी हर प्रदेश में है। तो आपकी राजनीतिक पकड़ क्यों नहीं है दिल्ली में? मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से, खास वकील साहब से, और जो साथी इधर बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, इन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई ऐसी प्लानिंग बनाइए कि दिल्ली के चुनाव आप लोग मिलके चाहे 3-3 सीटों पर लड़ो, चाहे 2-2 सीटों पर लड़ो, लेकिन मिलके लड़ो और इस सिस्टम को बदल दो अपने हक और अधिकार के लिए। एक बार बहन जी ने वहां पे किया है ना भी, अगर नहीं करेंगे तो फिर 3-3, 4-4 MP आएंगे और आप फिर संसद में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वहां पे किया है 80 सीटों में से, अब आप देखना कि उनको 35-35 या 30-30 MP निकाल पाएंगे वो लोग, नहीं जीत के आएंगे, 30-30, 32-32 MP उनके जीत के आएंगे। तो आप लोग दिल्ली में करके देख लीजिए। और आप और हम, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, ना ही हमारे पास इतना बड़ा संगठन है जितना बड़ा संगठन अखिलेश के पास है या बहन जी के पास है या और लोगों के पास है। हम लोग बड़ी किसी गफलत में ना रहें कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो अभी अंकुरित होते हुए छोटा सा पेड़, वो भी नहीं है, अभी तो जमीन के अंदर है। आप, हमें ये सोचना चाहिए कि एक मौका मिल रहा है 5-5, 7-7 सीटों पे, अभी 7 सीट है, फिर 70 सीट आएंगी, मिलके बनाओ ना एक सिस्टम और आप ले जाओ। अगर आपका एक MLA भी आया या आपका एक MP भी आया, आप अपनी बात संसद में कुर्सी पे खड़े होके कह सकते हो। और अगर आप ऐसे अकेले अकेले लड़ते रहे तो न्यारी न्यारी ढपली होगी, न्यारे न्यारे पिटोगे भाई, अलग अलग होता था है ना काम, तो न्यारे न्यारे पिटोगे जब न्यारे न्यारे रहोगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये मौका है, इस मौके में चूको मत, और मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को हाँ, थैंक यू, जय भीम, प्रणाम जय।